Welcome fellow adventurers. Today we are embarking on an incredible journey beneath the waves as we explore the mesmerizing underwater world of the Andaman Islands. Join us on this scuba diving adventure as we discover the hidden treasures beneath the crystal clear waters. अंडमान ट्रिप के तीसरे दिन हम दोनों सुबह सुबह उठकर सनराइज देखने गए। हम लोग शांग्रीलाज बीच रिजॉर्ट में रुके थे, जिसके सामने सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ये बीच था। My husband collected a lot of beautiful shells, but unfortunately Andaman से shells या corals ले जाना illegal है, इसलिए हमने वो सारे shells और corals वहीं पर फेंक दिए। But still, it was really fun to find these beautiful and unique creations of nature. वैसे तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए एलिफेंट बीच ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पर स्कूबा डाइविंग के अलावा और भी तरीके की वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। हम दोनों को सिर्फ स्कूबा डाइविंग ही करनी थी, इसलिए हम लोग एलिफेंट बीच नहीं गए। आप लोगों को एलिफेंट बीच जाना है तो आप लोग फेरी बुक करके वहाँ पर जा सकते हैं। डाइविंग पर जाने से पहले डाइवर्स आपको लगभग 10-15 मिनट की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि आप पानी में बात नहीं कर सकते तो फिर वो आपको कुछ एक्शंस या साइन लैंग्वेज बताते हैं, जिससे कि आप पानी के अंदर भी उनको बता सकें कि आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप और अंदर जाना चाहते हैं या फिर ऊपर जाना चाहते हैं। वंस वी आर कंफर्टेबल एंड अ लिटिल लेस स्केयर्ड, हम लोग को बोट में बिठाकर समुंदर में एक दूर जगह पर ले जाया गया। कॉस्ट्यूम्स और सारे इक्विपमेंट्स वही लोग प्रोवाइड करते हैं। स्कूबा डाइविंग के चार्जेस हमको 3500 रुपीज़ पर पर्सन पड़े थे, प्लस 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमने अंडर वाटर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए दिए थे। स्कूबा डाइविंग के लिए आपको स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है, सारा कुछ डाइवर्स ही करते हैं, आपको बस वहाँ पे इंजॉय करना है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे काम एंड ब्रीथ प्रॉपरली थ्रू योर ऑक्सीजन मास्क। स्कूबा डाइविंग के टाइम मुझसे एक गड़बड़ हो गई थी। वाइल आई वॉज पोजिंग फॉर फोटोग्राफ्स अंडर वाटर, आई एक्सीडेंटली स्माइल्ड। इस वजह से मेरे ऑक्सीजन मास्क में पानी आ गया और जैसे ही मेरी सांस बंद हुई मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगी। लेकिन डाइवर ने जैसे ही ये देखा उसने तुरंत एक्शन लिया और मुझे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वापस पानी के ऊपर पहुंचा दिया। वंस आई वॉज काम अगेन, हम लोग दोबारा पानी के अंदर गए और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। दैट्स वाई आई सेड कि ब्रीदिंग पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ तो मोर और लेस डाइवर संभाल ही लेते हैं। स्कूबा डाइविंग के बाद हम लोग दोबारा से राधानगर बीच गए, क्योंकि पिछले दिन हम लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, इसलिए हमने बाकी का दिन राधानगर बीच पर चिल करते हुए बिताया।
and our day was done. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. I hope it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this. And I'll see you later. Bye bye.